लेट्स सी द प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल। सो ये जो प्रोटोकॉल है वो प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो बेसिकली ये सॉल्व कुछ ऐसे करता है कि सपोज ये क्रिटिकल सेक्शन है, इसमें लो प्रायोरिटी प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सपोज 2 है, ठीक है। तो प्रायोरिटी इन्वर्जन में क्या था कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जिसके पास आती है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए, जिसकी सपोज प्रायोरिटी 1 है, 1 प्रायोरिटी से हायर है 2 से, तो ये क्या करता है कि जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है वो इसको ब्लॉक कर देता है क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने से। तो इस एल्गोरिदम का मेन वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये क्या करेगा कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है उसको इनहेरिट कर लेगा, मीन्स ये इसकी प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है उसकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी 1 है और जो आ रही है उसका भी 1 है, तो इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक कर रही है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से जब बाहर जाएगी तो वापस इसका जो प्रायोरिटी होगा वो जो इसका प्रीवियस प्रायोरिटी था वो हो जाएगा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा, लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक की होगी वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी को ब्लॉक किया है, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम हो जाएगी। उसके बाद जब ये क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लेगा, जब बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हम इसकी प्रायोरिटी को वापस जो इसकी ओरिजिनल प्रायोरिटी थी उस पर सेट कर देंगे। तो जो हमने एग्जांपल देखा था प्रायोरिटी इनहेरिटेंस में वो फैकल्टी और एचओडी वाला, तो उसके हिसाब से ऐसा होगा कि जैसे ये क्लास है, क्रिटिकल सेक्शन क्लास है, फैकल्टी है इसमें, और एचओडी सर सपोज यहाँ पे आए हैं क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली यहाँ पे ये होगा कि फैकल्टी को एचओडी की पावर दे दी जाएगी, ठीक है। एचओडी की पावर वैसे ही रहेगी बट फैकल्टी की को एचओडी की पावर दे दी जाएगी, तो ये होगा कि फैकल्टी भी एचओडी की तरह बिहेव करेंगे और ये क्रिटिकल सेक्शन क्लास में ही वैसे ही रहेंगे, और जब ये क्लास से बाहर जाएंगे तो फिर से ये फैकल्टी ओरिजिनल फैकल्टी बन जाएंगे, इनकी प्रायोरिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से जो एग्जैक्टली हो रहा है जो ये काम उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये जो ब्लॉक है ब्लैंक वाला वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे दो क्रिटिकल सेक्शन लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल साइन वाला हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन है एंड वर्टिकल साइन वाला वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन है, और ये जो जहाँ से जॉब स्टार्ट हुई है वही इनका रिलीज टाइम है, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है बट फिर भी ये बाद में रिलीज हुआ, इसका मतलब यही है कि इसका रिलीज टाइम यहाँ 7 से स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो जहाँ से भी जॉब स्टार्ट हुई है वो उनका रिलीज टाइम है, और इनकी जो प्रायोरिटी है वो ऐसे है, J1 का हाईएस्ट है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में J5 का लोएस्ट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व करता है प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इसने 0 से 1 तक नॉर्मल एग्जीक्यूशन किया, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन में चला गया J5, ठीक है। सपोज हम दो क्रिटिकल सेक्शन ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है एंड देन ये वर्टिकल है, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन में J5 है, ठीक। अब 2 पे J4 रिलीज हुआ है, अब J4 की प्रायोरिटी J5 से हायर है, तो ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट होगा, क्रिटिकल सेक्शन में ही रहेगा लेकिन इसका एग्जीक्यूशन खाली स्टॉप होगा। तो J2 है, तो J2 क्या करेगा, J2 2 से 3 तक नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगा, नाउ 3 to 4 ये वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये फ्री है तो इसको ये मिल जाएगा J4। यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल तभी मिला है क्योंकि ये फ्री था इसलिए इसको मिल गया, नाउ यहाँ पे वर्टिकल भी फ्री था इसलिए J4 को मिल गया। अब यहाँ पे 4 J3 4 टाइम पे रिलीज हो रहा है तो ये ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में J4 ही रहेगा वर्टिकल वाले में, तो ये इसको प्रीएम्प्ट कर देगा। तो 4 से 5 तक ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगा J3, उसके बाद 5 पे J2 रिलीज होगा, अब J2 की प्रायोरिटी इससे हायर है तो ये इसको प्रीएम्प्ट कर देगा। J5 से J6 J2 रिलीज किया, उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 6 पॉइंट पे क्या हुआ कि J2 ने हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन का रिक्वेस्ट किया, ठीक है, एट T=6 J2 रिक्वेस्ट हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल
क्रिटिकल सेक्शन जे फाइव के पास है। जे फाइव की प्रायोरिटी बहुत ही कम है जे टू से, तो यहाँ पे जे टू को ये क्रिटिकल सेक्शन मिल जाना चाहिए था, लेकिन प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि जे फाइव है हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये इसको ब्लॉक कर रहा है इसको एंटर करने से क्रिटिकल सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी कितनी है, सपोज इसकी प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 हाईएस्ट है और 5 लोएस्ट है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी 2 है, तो इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो जे फाइव है यहाँ पे, जहाँ पे ब्लॉकिंग हो रही है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे क्या करेगा, जैसे हमने किया था उसकी प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा, तो जे फाइव की प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने इसकी प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लिया, इसकी प्रायोरिटी 2 थी तो इसने इसकी प्रायोरिटी इनहेरिट कर ली, तो अब इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, तो यहाँ पे इसकी भी प्रायोरिटी 2 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे लो प्रायोरिटी हाई को ब्लॉक नहीं कर रहा, क्योंकि ये लो अब है ही नहीं, ये अब इसके इक्वल हो गया है, ठीक है। अब ये जब ये छोड़ेगा हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन, तो वापस इसकी प्रायोरिटी 5 हो जाएगी, अभी इसके पास है, ठीक। अब 7 टाइम पे क्या होता है कि J1 जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला है वो आता है, वो रिलीज होता है, तो ये इसका प्रियम्प्ट होता है, प्रियम्प्ट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले में अभी J5 ही है और वर्टिकल वाले में J4 है। अब यहाँ पे 7 to 8 ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा है J1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे 8 पे प्रॉब्लम है, इसने 8 पे J1 ने रिक्वेस्ट किया वर्टिकल का, ठीक है। ये तो 6 पे J2 ने रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे एट टी इक्वल टू 8, यहाँ पे सपोज J1 रिक्वेस्ट वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन, ठीक। तो वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन हमारा J4 के पास है, इसके पास है वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पे J4 के पास था, ये बस प्रेम्प्ट हुआ था, तो यहाँ पे इसको मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये लो प्रायोरिटी प्रोसेस के पास है, तो इसने J1 को यहाँ ब्लॉक कर दिया, जैसे इसने इसको ब्लॉक किया था यहाँ पे, वैसे इसने इसको ब्लॉक कर दिया, और क्रिटिकल सेक्शन में J4 ही है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम आई थी, यहाँ भी आ रही है प्रायोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम, इसलिए कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस ने हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से ब्लॉक कर दिया है और खुद का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, सेम वैसे ही इसकी प्रायोरिटी 1 है हमने सपोज किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा, तो इसकी प्रायोरिटी अब 4 थी पहले प्रायोरिटी, अब इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी। और ये प्रायोरिटी जैसे क्रिटिकल सेक्शन वाइज है, क्योंकि ये वर्टिकल का है, तो J4 का 1 हो गया है, ठीक है। अब इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, तो यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 9 पे या तो कंप्लीट कर गया अपना, निकल गया वर्टिकल से, या फिर ये प्रियम्प्ट हो गया इससे, लेकिन ये इससे प्रियम्प्ट हो नहीं सकता क्योंकि इसके प्रायोरिटी 2 है, तो हम इसको बाहर कर देते हैं वर्टिकल से, तो 9 पे ये बाहर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद J5 ने अगेन अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, और 10 to 11 चला ये हॉरिजॉन्टल में, फिर ये भी इससे वापस चला गया, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल से भी J5 निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे जब ये वापस चला गया है, तो अब दोनों क्रिटिकल सेक्शन खाली है, तो यहाँ पे 11 टाइम पे इसने फिर से डिमांड की है हॉरिजॉन्टल की, तो जो कि J4 पहले वर्टिकल में था, वो J4 अब हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों फ्री है तो इसको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 12 टाइम पे इसने रिक्वेस्ट किया है वर्टिकल का, तो ये क्या होगा कि वर्टिकल खाली था, तो आराम से ये वर्टिकल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 13 पे ये इसने अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इसने अपना कंप्लीट कर लिया, तो ये बाहर आ गया, तो इसने यहाँ पे कंप्लीट किया था, ठीक है। तो जैसे ही अपना क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकला था, तो इसकी प्रायोरिटी वापस 5 हो गई थी, ठीक है। जैसे ही इसने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकला, इसकी प्रायोरिटी अगेन 4 हो गई, जो प्रायोरिटी 1 इनहेरिट किया था वो वापस 4 हो गई थी, 4 हो जाएगी लास्ट में, जो इसने 2 किया था J2 से इनहेरिट, वो वापस इसकी 5 हो जाएगी प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या है कि
इससे जस्ट पहले, अब क्या है, प्रायोरिटी वैसे ही है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे जो पहले रिक्वेस्ट किए थे रिसोर्सेज लेकिन ब्लॉक हो गए थे, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी J1 की है, जो इसने रिक्वेस्ट किया था वर्टिकल का लेकिन ब्लॉक हो गया था, J4 ने इसको ब्लॉक कर लिया था और इनहेरिट कर लिया था प्रायोरिटी, तो इसलिए अब ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो इसने ब्लॉक किया था, जो इसने रिक्वेस्ट किया था, वो अब इसको जाके मिलेगा, ठीक है। वर्टिकल का जो रिक्वेस्ट किया था, इसको ब्लॉक कर दिया था, तो वर्टिकल ये J1 अब चला जाएगा वर्टिकल में, तो ये तो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रदान करेगा ही, ठीक। सपोज यहाँ पे इसने 14 पे ये कंप्लीट हो गया, वर्टिकल से निकल गया, फिर ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन करके भी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या था कि सेकेंड टाइम ये ब्लॉक हुआ था J2, इसने हॉरिजॉन्टल मांगा था लेकिन इसने इसकी प्रायोरिटी इनहेरिट करके इसको ब्लॉक कर दिया था, तो अब क्या है कि सब फ्री है, तो अब J1 भी कंप्लीट हो गया है, तो अब इसको सर्विस दे दी जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल अब इसको दे दिया जाएगा, ठीक है, J2 को। फिर J2 16 पे कंप्लीट हो गया, 16 पे इससे बाहर आ जाएगा, 17 पे इसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंप्लीट, वैसे ही 17 से 18 J3 का नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंप्लीट, इसने कोई डिमांड ही नहीं किया, ठीक है। फिर से 18 19 यहाँ पे ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकला था, जैसे ही बाहर निकला था इसकी जो प्रायोरिटी थी वो वापस जो इसके ओरिजिनल थी 4 वही हो गई थी, बाकी इसने नॉर्मल एग्जीक्यूशन करके ये भी खत्म हो गया। फिर यहाँ पे जैसे ही बाहर निकला था इसकी ओरिजिनल प्रायोरिटी 5 थी, वो वापस चली गई थी, उसके बाद इसने नॉर्मल एग्जीक्यूशन किया, फिर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल को देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।